दरबार मेरे सतगुरु के, वहां मिट्टी ही मिट्टी है और यहाँ सोना ही सोना है। गुरु जब से जग में आया, गुरु जब से जग में आया, पल भर कहीं चैन न पाया, पल भर भी चैन न पाया। मैंने आत्मा गुरुदेव से कहती है, मुझे पांच लुटेरों ने लूट लिया, मुझे पांच लुटेरों ने लूट लिया, मुझे पांच लुटेरों ने लूट लिया, ये पांच नहीं है। मेरे बगल में जो बैठी है चार पांच नहीं है, वो लुटेरे। जीवात्मा की तीन प्रबल शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार। जीवात्मा की आसुरी शक्तियां हैं काम क्रोध मद मोह मच्छर। ये जीवात्मा कैसी है, गुरुदेव जब भी मैं तेरे सानिध्य में आना चाहूं ये पांच मुझे भटका देते हैं। मुझे पांच लुटेरों ने लूट लिया, मुझे पांच लुटेरों ने लूट लिया, मुझे पांच लुटेरों ने लूट लिया, पांच लुटेरों ने ऊपर उठाएं और मेरे साथ आप सारे लोग बोलेंगे क्या, गुरु शरणम बोलो, हरि शरणम, गुरु शरणम बोलो, हरि शरणम, बोलो गुरु शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम बोलो, हरि शरणम, गुरु शरणम बोलो, हरि शरणम, गुरु शरणम बोलो, हरि शरणम, हरि शरणम बोलो, गुरु शरणम, गुरु शरणम बोलो, हरि शरणम, हरि शरणम बोलो, गुरु शरणम, गुरु शरणम बोलो, हरि शरणम, हरि शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम।
तेरा शीतल हुआ शरीर लग रही, कमरे में तस्वीर लग रही, कमरे में तस्वीर लग रही, कमरे में पिंजरे में पड़ा क्या सोच रहा, पिंजरे में पड़ा क्या सोच रहा, तेरा शीतल हुआ शरीर लग रही, कमरे में तस्वीर लग रही, कमरे में तस्वीर, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। चंद पल मधुर संकीर्तन करेंगे, लेकिन उससे पहले आरती उतार लें, क्योंकि समय, ये जो चंद पल का आवरण या वरण किया जाता है, इसका मूल मात यह होता है कि कुछ श्रोता समय से विलंब होकर आते हैं, तो कहीं उनसे वो कथा श्रवण की तारतम्यता से वंचित ना रह जाए, इसलिए चंद पल संकीर्तन व्याख्यान की व्यवस्था है। आरती उतारने के लिए तत्पर हो जाएं, और शेखावत जी से मैं चाहूंगा कि आपके आयोजन में महाराष्ट्र से चलकर हमारे शिष्य नरेश खंडेलवाल जी आए हैं, तो इनका थोड़ा स्वागत सम्मान तालियों से हो जाए, और आरती उतारे और पुष्पहार पहनाया जाए। आरती अति पावन पूरा पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की।
अति पावन पुराण की आरती, अति पावन पुराण की धर्म भगत ज्ञान खान के धर्म भगत ज्ञान खान के आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण के कलिमल मथन पिता कलिमल मथन विलास विमोह विलास विलास विमोह
माता पिता तमेव तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव वेजा दमिलं तमेव तमेव परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की हो, नगर वस्ती की हो, आज के आनंद की हो, सत्य सत्संग की हो, भागवत भगवान की जय, आगे बिहारी लाल की जय, धर्म की धर्म की अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो, आरती समर्पयामि उमापते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यथा उचित स्थान ग्रहण करें। तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, भाव की निर्मलता और मानस पटल पे अपने बिहारी की छवि को अंकित करके ही कथा श्रवण का आनंद लिया जाएगा। मन की मत सुनो, ये तो किधर भी रस लेने भाग जाते हैं। मन की नहीं सुनना चाहिए हा? कि मन मतंग माने नहीं, जबलों खता ना खाए, और जैसे मक्खी गुड़ में पंख रही लपटाए, है ना? ये मन तो किधर भी भागता है, विचलित है, ये कहीं भी बैठेगा, लेकिन अपने विवेक को शून्य मत होने दो, बुद्धि में स्थिरता रखो, कथा में श्रवण के लिए, जीवन जीने के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, जीवन जीने के 8 प्रकार के नियम होते हैं, और जो इन नियम में चलता है उसी से प्रेम हो जाता है। और चाहे प्रभु को पाना हो या जिंदगी में सुख को पाना हो, तो एक सबसे बढ़िया बात आप लोग सीख लीजिए, वो बात ये है कि अपने आप में प्रसन्न रहना सीख लीजिए। जिस दिन आप स्वयं में प्रसन्न रहेंगे ना, उस दिन प्रभु भी मिल जाएगा। और जो व्यक्ति प्रसन्न रहना ही नहीं सीख सकता, उसे ना तो जीवन का सुख मिलेगा, तो मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन वाली बात आ जाएगी। भागवत कथा कल के प्रसंग में हमने बताया कि देवताओं को नहीं सुनाया गया, और कहा गया कि आपके अंदर ये पात्रता नहीं है। किम कांचन किम माणिक्यम, कहां सोना कहां मड़ी कहां सीसा कहां हीरा,
देवताओं ने कहा कि मैं अमृत का कलश लाया।